हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे औ की मात्रा। ओ तक की मात्राओं की प्रैक्टिस तो हमने कर ली है और हमें आ भी गई हैं, तो आज हम करने वाले हैं औ की मात्रा। अब ओ और औ की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है? ओ की मात्रा में छोटा माउथ खुलता है जिसमें वन फिंगर जा सकती है। देखिए ओ, और औ बोल के देखिए औ, बड़ा खोलेंगे और उसको राउंड कर देंगे। आओ आओ, दोनों मात्राओं के साउंड में डिफरेंस है थोड़ा सा। और मात्रा में क्या डिफरेंस है देखिए, ध्यान से देखिए। ये बनाया हमने क का फ्लैश कार्ड हेड गियर बनाकर, ये देखिए। अब इसके साथ लगा दी हमने औ की मात्रा, इसे बोलेंगे हम औ की मात्रा। एक स्टैंडिंग लाइन, दो स्लांट अप एंड सी, उसी स्टैंडिंग लाइन से। अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे अक्षर लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं, एक मात्रा इसके ऊपर, एक मात्रा इसके ऊपर, और वो कहते हैं वो बन गया कौ। अब ये बात उन्हें समझाने के लिए हमने बनाया अक्षर और उसके बाद बनाया मात्रा का फ्लैश कार्ड, और इन अक्षरों को हम चेंज करते रहेंगे। क के साथ लगाया बना कौ, ब के साथ लगाया बना बऊ, फ के साथ लगाया बना फऊ। इस तरह से हम सभी व्यंजनों को रखेंगे, इस मात्रा को लगाएंगे और उन सब का साउंड चेंज होता हुआ बच्चों को बताएंगे। अब बनाते हैं शब्द। पहला अक्षर हमने क्या उठाया? क। चलिए क से ही बनाते हैं। क, क पर लगाई औ की मात्रा, तो ये बन गया कौ। कौ, अ पर लगाई आ की मात्रा, बन गया आ। कौआ, कौआ। और इसी कौ से एक और शब्द बनाते हैं। क पर लगाई औ की मात्रा, बना कौ। न, कौन। इस तरह से जब हम बहुत सारी मात्राएं लगा लगा कर बच्चे को बताएंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि व्यंजन के साथ जैसे ही मात्रा जुड़ती है व्यंजन का स्वरूप बदल जाता है। अब देखिए एक और शब्द लिखा हमने, ख। ख लिखा, ख पर लगाई छोटी की मात्रा, बना खी। ल लिखा, ल पर लगाई औ की मात्रा, बना लऊ। न लिखा, न पर लगाई आ की मात्रा, अब देखिए क्या बना, खी। लौ ना, खिलौना। अब एक और शब्द देखिए, ब। पहले बोलेंगे हम ब, साथ साथ हमें बोलना भी है कि जब वो अक्षर है तो वो खाली व्यंजन है, ब, ब खाली व्यंजन है। जैसे ही हमने इसके साथ मात्रा लगाई वो बन गया बऊ। क्यों? क्योंकि इसके साथ मात्रा जुड़ गई है। बऊ ना, बऊ ना, बऊ ना, बऊ ना। अब एक और शब्द देखिए, प। प पर लगाई औ की मात्रा, बना पऊ। ध, ध पर लगाई आ की मात्रा, बना धा। पौधा, पौधा, पौधा। अब देखिए एक और शब्द, द। द पर लगाई औ की मात्रा, बना दऊ। साथ में लिखा ड, दौड़, दौड़। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको एक सिंपल सा ब्रीफ सा तरीका बताया है कि बच्चे इस तरह की गलतियां न करें, ओ और औ को मिक्स ना करें। ये एक सिंपल सी टिप है कि हम क्या कर सकते हैं। हम इस तरह से एक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, पहले व्यंजन का और फिर मात्रा का, और इस फ्लैश कार्ड को हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन के साथ लगाकर बच्चे को दिखाना है। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त गेम है, ये देखिए, ये देखिए। इस तरह से जब बच्चा खेल खेल में पढ़ेगा तो वो झट से सीख जाएगा कि व्यंजन, व्यंजन के बाद अलग से एक स्टैंडिंग लाइन होती है और उस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर दो स्लांट अप होते हैं, तब जाके बनती है ये औ की मात्रा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, शब्द बनाते हैं। और हाँ, जो आज अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो झट से कर दीजिए,
क्योंकि हमें इस फैमिली को बहुत बड़ा करना है। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।